हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे वुमेन बिग बैस लीग 2020 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मैच के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इन चारों मैचेस का प्रिडिक्शन। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मैच की और आईपीएल के सारे मैचेस की फिक्स्ड रिपोर्ट 100% एक्यूरेसी के साथ चाहते हैं तो स्क्रीन पे सिघम टिप्स का व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है फ्रेंड्स, इनसे जाके आप रिपोर्ट ले लें। काम इनका काफ़ी बेहतर है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये नंबर आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट मैच पर्थ स्कॉचर्स वुमेन वर्सेस ब्रिस्बेन हीट वुमेन है और इस मैच को आप कल सुबह के 4:30 बजे से देख सकते हैं फ्रेंड्स फैन कोड ऐप में भारतीय समय अनुसार। और ये मैच सिडनी के नॉर्थ सिडनी ओवल क्रिकेट ग्राउंड में होने वाला है फ्रेंड्स। पिच की बात की जाए तो पिच बैटिंग फ्रेंडली है फ्रेंड्स। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 160 देख सकते हैं। वेदर की बात की जाए तो वेदर क्लियर नहीं रहने वाला है फ्रेंड्स, बारिश होने की संभावना है। अब अगर प्रीवियस ईयर के बिग बैस लीग की बात की जाए फ्रेंड्स तो पर्थ स्कॉचर्स वुमेन टोटल 14 टाइम्स मैचेस खेली थी फ्रेंड्स पिछले साल और 9 मैचेस में उसकी जीत हुई थी। और पिछले साल के पॉइंट टेबल पे पर्थ स्कॉचर्स वुमेन थर्ड पोजीशन पे थी फ्रेंड्स। अब अगर ब्रिस्बेन हीट वुमेन की बात की जाए तो इसने भी टोटल 14 मैचेस खेले थे फ्रेंड्स और 10 मैचेस में जीत हुई थी, पॉइंट टेबल पे फर्स्ट पोजीशन पे थी। अब अगर मैच विनर की बात की जाए फ्रेंड्स तो दोनों टीम्स को कंपेयर करने पे कल के इस फर्स्ट मैच में पर्थ स्कॉचर्स वुमेन के जीतने के चांसेस मेरे अनुसार ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं सेकेंड मैच की। तो फ्रेंड्स, इसका सेकंड मैच एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन वर्सेस होबर्ट हरिकेन्स वुमेन्स के बीच है और इस मैच को आप कल सुबह के 5 बजे से देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यह मैच सिडनी के हर्स्टविल ओवल क्रिकेट ग्राउंड में होने वाला है फ्रेंड्स। पिच की बात की जाए तो पिच बैलेंस्ड है, फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 150 देख सकते हैं। अब अगर पिछले साल के वुमेन बिग बैस लीग की बात की जाए फ्रेंड्स तो एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन ने टोटल 14 टाइम्स मैचेस खेले थे फ्रेंड्स उस लीग में और 10 टाइम्स उसकी जीत हुई थी, पॉइंट टेबल पे सेकंड पोजीशन पे थी। और अगर होबर्ट हरिकेन्स वुमेन्स की बात की जाए फ्रेंड्स तो उसने भी टोटल 14 मैचेस खेले थे लेकिन सिर्फ 4 मैचेस में ही जीत हो पाई थी। तो फ्रेंड्स, दोनों टीम्स को कंपेयर करने पे कल के सेकंड मैच में एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन के जीतने के चांसेस मेरे अनुसार ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं थर्ड मैच की। इसका थर्ड मैच सिडनी थंडर्स वुमेन्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स वुमेन्स के बीच है फ्रेंड्स और इस मैच को आप कल सुबह के 8:15 से देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यह मैच सिडनी के नॉर्थ सिडनी ओवल क्रिकेट ग्राउंड में होने वाला है। पिच के बारे में तो बता ही चुकी हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर सिडनी सिक्सर्स वुमेन्स की बात की जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, बैटिंग यूनिट इनका काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, दोनों टीम्स को कंपेयर करने पे कल के इस थर्ड मैच में सिडनी सिक्सर्स वुमेन के जीतने के चांसेस मेरे अनुसार ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं फोर्थ मैच की, जो कि मेलबर्न रेनेगेड्स वुमेन वर्सेस मेलबर्न स्टार्स वुमेन्स के बीच है फ्रेंड्स और इस मैच को आप कल 9 बजे से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेलबर्न रेनेगेड्स वुमेन की बात की जाए तो इनका बॉलिंग यूनिट काफ़ी अच्छा है लेकिन बैटिंग यूनिट थोड़ा सा वीक है फ्रेंड्स। वहीं मेलबर्न स्टार्स वुमेन एक वेल बैलेंस्ड टीम है फ्रेंड्स, इनका बॉलिंग यूनिट और बैटिंग यूनिट दोनों ही काफ़ी अच्छा है। तो मैच विनर बताने से पहले फ्रेंड्स बता दूं कि अगर आप इस मैच की और आईपीएल के सारे मैचेस की फिक्स्ड रिपोर्ट 100% एक्यूरेसी के साथ चाहते हैं तो स्क्रीन पे सिघम टिप्स का व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है फ्रेंड्स, इनसे जाके आप रिपोर्ट ले लें। काम इनका काफ़ी बेहतर है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये नंबर आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप इनके नंबर से ज्वाइन हो जाएँ। तो दोनों टीम्स को कंपेयर करने पे कल के इस फोर्थ मैच में मेलबर्न स्टार्स वुमेन के जीतने के चांसेस मेरे अनुसार ज़्यादा हैं। आपकी क्या थिंकिंग है फ्रेंड्स इन चारों मैचेस को लेकर? आपके अनुसार कौन सी टीम जीत सकती है ये चारों मैच? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।